हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन आर्मी 12126 में। वन मैन आर्मी आज प्रूव किया है शर्मा जी ने कि वन मैन आर्मी कहते हो ऐसी बगैर हड्डी वाली बोटी खाई है कि डकार भी नहीं लिया और इतना धोखे चले गए हैं, मतलब अमेजिंग ऑल काइंड ऑफ वेन। ओके, इट वाज एन इनएक्सपीरियंस साइड बट द वे दे बैटेड, कोई चांस नहीं दिया, प्रॉपर शॉटिंग खेली है। रोहित शर्मा तो लुक्ड सो ब्यूटीफुल, सो इजी, इट अपीयर्स ही गॉट लॉट मोर टाइम देन द अदर बैटर्स। रोहित शर्मा स्टार्टिंग ऑफ एंड वंस रोहित शर्मा शुरू हो जाते हैं तो ये तो हसन अली ने भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जिस दिन रोहित शर्मा का दिन हो उस दिन सारे बोलर्स का दिन खराब हो जाए। पकड़ के बजा दिया आज इंग्लैंड का भाईजान, इंडिया ने पकड़ के इनकी बजा के रख दिया इंग्लैंड वालों की। रोहित शर्मा ने इतना मारा है कि इंग्लैंड वालों को पानी भी नहीं दिया ना, मतलब पकड़ के उनका घंटा बजा दिया। घंटे के साथ साथ आपको पता है कि छनकना भी बजता है, तो पहले घंटा बजाया फिर इनका छनकना बजाया, इनके अंदर गुस्सा आ दिया पकड़ के भाई। आज कप्तान रोहित शर्मा ने लीड किया फ्रंट, रोहित शर्मा ने बड़ी सेंसिबल इनिंग्स खेली है। बड़े अरसे बाद रोहित शर्मा में मैंने इतना वो देखा है कि इत्मीनान हो, सबर हो, वरना रोहित शर्मा क्या करते थे, रोहित शर्मा हिट करने की कोशिश करते थे। आज रोहित शर्मा ने बताया रोहित शर्मा चाहता तो सेंचुरी बड़े आराम से पहले की हो चुकी होती, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी नफ्स पे कंट्रोल रखा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैंने लंबा इनिंग्स खेलनी है, मैंने अपनी टीम की मदद करनी है, मेरी टीम को मेरी जरूरत है, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए उसने सुकून से खेला। ये सच्ची में इंडिया को कोहिनूर मिला हुआ है। इंडिया के पास जो कुछ प्लेयर है, जैसे बुमराह हो गए जिसको मैं कोहिनूर कहता होता हूं, अश्विन हो गए, जडेजा हो गए, रोहित हो गए, कोहली हो गए, ये सच्ची में ये कोहिनूर के पीसेज है, और इनको एक साथ मिला दो तो कोहिनूर बन जाता होता पूरा का पूरा। और इतना अच्छा परफॉर्म कर कैसे लेते हैं मुझे समझ नहीं आती है यार, वैसे इनकी तादे नहीं पड़ेगी माशाल्लाह। नान हो तो रोहित जैसा, सॉरी शर्मा जी जैसा हो, रोहित नहीं, रिस्पेक्ट ना, शर्मा जी जैसा हो, बल्लेबाजी करनी हो तो शर्मा जी जैसे करनी हो। इतने जबरदस्त कहले बैट्समैन के स्टूडेंट रह चुके हैं रोहित शर्मा MS धोनी के, जो उनकी छत्र छाया में है, आपको लगता है कि वो कभी आपको मायूस कर सकते? एज अ पाकिस्तानी यही दूंगी कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं और ऐसे ही खेलते रहे, और हमारे पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि उनसे थोड़ी सी जो है वो उनकी सीखें, जी सीखें उनको, और टेंशन में ना है जैसे वो नहीं आते चिल रहे। यहाँ पर इंडिया की जानब से बड़ी कमाल की जो है वापसी देखने को मिली। एक टाइम ऐसा था कि लग रहा था कि शायद इंडिया की टीम यहाँ से मुश्किल में पड़ चुकी है और शायद ये मैच इंडिया के हाथ से पहले दिन ही निकल जाए। बहुत कमाल की जो है रोहित शर्मा, आप देखें बड़े अरसे से रोहित शर्मा के बैट से जो है वो सो नहीं आ रहा था, हमने देखा बल्कि 50 भी नहीं आ रहा था रोहित शर्मा के बैट में बैट से, लेकिन बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा था। अब जब आप देखें कप्तान वही है जो आपकी टीम को फ्रंट से लीड करता है, और जब आपकी टीम फंसी होती है ना वो आके जो है वो अपना एक्सपीरियंस भी दिखाता है और साथ में टीम को जो मुश्किल टाइम से निकाल के ले जाता है। जसवाल की आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूँ, मतलब यानी इतना मैच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो, जसवाल ने तो नहीं खेली हुई। नहीं, जो बॉलिंग जो भी खेलेंगे भाई, बॉल करना कहाँ पे है, अगर आप ऑफ साइड स्टम्प करते हैं तो वहाँ चौका मार देते हैं, खिंचा हुआ बॉल करते हैं तो सामने उसको लिफ्ट कर देते हैं और स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ को वो इतने आराम से स्क्वायर लेग और फाइन लेग की तरफ छक्का मार देते हैं। तो the way he is batting, I mean it's the margin of error, balki margin of error chhode, margin ke kahan ball karna hai wo bowler ke liye bada kaam hai. Bachna kaise hai? Rohit Sharma is one of the finest player, uska example uske kya kehte hain, stats speaks themselves. Uski wajah pata hai kya hai? Triple 200 kiye usne, 264 in 50 overs game. It's amazing performance. Wo karta kya hai ki wo jab set hota hai na वो फिर अपनी विकेट को ना जाने नहीं देता। टेस्ट ओपनर जयसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों इतना हो रहा है? भारत ने जयसवाल पैदा किया तो, और खासकर जयसवाल जैसे इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं टेस्ट के, कमाल बैटिंग की, और उन्होंने बताया कि बेसबॉल नहीं जयसबॉल पॉलिसी चलेगी इंडिया के अंदर, और ये एक नया अंदाज है जो उन्होंने इंग्लिश बॉलर्स की पटाई करके दिखाया। प्रेशर सिचुएशन में आया है, एक प्रेशर सिचुएशन में खड़े होके उसने इंग्लैंड की पकड़ के बजा दिया, इसीलिए उसको कहते हैं रोहित मैन शर्मा, इसलिए उसको कहते हैं, ये वजह जिस वजह से उसको कहते हैं भाई, ये वजह जिस वजह से रोहित शर्मा को बोला जाता है रोहित मैन, हिट मैन उसको इस वजह से बोला जाता है। ये रन जितने उसने किए हैं, उसने बेटा कोई वो वाले नहीं किए टुक 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 घंटे की तरह के, उसने नहीं किए प्रॉपर, अगले ने अपना टेम्परामेंट शो किया कि भाई मैं डिजर्व करता हूं इधर खेलना, और इस तरह खेला जाता है, प्रॉपर डोमिनेट करके गया इंग्लैंड के आगे। जेम्स एंडरसन, मार्क वुड, टॉम हैटली, उसके बाद जो रेहान अहमद, जितने भी उनके बॉलर थे, डोमिनेट करके गया उसके आगे, खड़ा नहीं हुआ किसी के जी मैं आओ मुझे टुक टुक करवा लो, प्रॉपर डोमिनेट करके गया और मजे की इनिंग खेल के गया। हाँ, आउट हुआ, जो बैटिंग किया ना आज इंडिया ने की है, मुझे लगता है कि इंडिया खुशी खुशी वापस जाएगा। उसकी वजह दो मुझे नजर आती है, उसकी दो वजह मेरे पास ये है कि रोहित शर्मा ने बैटिंग की है और रोहित शर्मा ने बेहतरीन इनिंग खेली है। एक तरफ उनकी बल्लेबाजी देखो, वो 200 मार रहे, एक लड़का इतने इतने रन मारे, दूसरी तरफ उनकी बॉलिंग देखो कि उनके जब बॉलर्स बॉलिंग करने आते सामने वाली टीम से बैटिंग नहीं होती। इंग्लैंड के साथ जो आज हो गया, मतलब के इतनी बुरी हार,
इतनी बुरी हार के शर्म करनी चाहिए इंग्लैंड वालों को कि ये क्रिकेट वालों खेल रहे हैं। और भाई आफरीन है इंडिया के ऊपर जो उन्होंने क्रिकेट खेल दी, जिस किस्म की उन्होंने क्रिकेट खेल दी, दोबारा बोलूंगा। और उतना ही मुझे गुस्सा आता है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान इनसे 3-0 से हार गया था। हम पाकिस्तानी इनसे 3-0 से अपने घर के अंदर हार गए थे, ये हमारे ऊपर बुरा वक्त आ गया था कि इनसे 3-0 से हम हार गए, जिनसे वहां पे खेला नहीं जा रहा, जिनका मधोल के इंडिया ने रख दिया। ऐसा लग रहा है कि पहला मैच इंडिया जानबूझ के हारा ताकि इनको जरा खुश कर दे, बाद में जो इनके साथ किया इंडिया ने रच के बुरा हाल हो गया। भाई मजा आ गया देखने का कि रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव अखीर किस्म की बॉलिंग कर रहे, लाजवाब किस्म की बॉलिंग कर रहे, पकड़े भी। देखिए सबसे जो वंडरफुल एक स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया उन्होंने, कुलदीप यादव की सिलेक्शन आसान सिलेक्शन नहीं थी, इसलिए कि ये रेगुलर नहीं है टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए, मगर सिचुएशन को भांपा। सिचुएशन क्या थी कि इंग्लैंड ने पहले मैच में रिवर्स स्वीप और स्विच हिट के थ्रू बॉलर स्पिनर्स को एक तरह से पागल कर दिया। सो कुलदीप यादव के खिलाने से क्या हुआ कि ये क्योंकि लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते हैं, गुगली करते हैं, टॉप स्पिन करते हैं, तो ऐसे बॉलर जो मिस्ट्री बॉलर होते हैं इनके खिलाफ इस तरह की इनोवेशन, इंप्रोवाइजेशन, रिवर्स फ्लिक कह लें या रिवर्स स्वीप कह लें या स्विच हिट कह लें, ये खेलनी मुश्किल हो जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि एक दफा वो ब्लॉक कर दिया भारत ने इंग्लैंड की ऑप्शंस को, तो फिर उसके बाद कहानी आसान हो गई। अभी तक की एक एग्जांपल ली जाए कि पाकिस्तान में क्रिकेट स्ट्रक्चर क्या है और भारत में क्या है, अगर उस स्ट्रक्चर से होकर कोई प्लेयर टीम के अंदर आता है तो दोनों में कितना बड़ा गैप है। अभी कोई नहीं कह रहा कि ये कोहली टाइप बनेगा, सबको अपना स्टाइल नजर आता है कि ये जयसवाल अपने स्टाइल के साथ ही कुछ खेल रहा है। कोई नहीं कहेगा कि इंडिया के किसी ये गौतम गंभीर जैसा खेलता है या कोई, उनका एक अपना स्टाइल है, वो अपना एक पहचान लेके आ रही है। कंप्लीट पैकेज देखना है, ऑलराउंडर पेसर स्पिनर्स, तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया इस वक्त राज कर रही है बॉलिंग अटैक से भी, और अगर आप बैटिंग में देखें वो तो हमेशा से नाम। अगर इंग्लैंड की बात करें ना तो बड़ा इनके जो है वो उनके जो साबिक खिलाड़ी हैं बड़ी टिकटकी उठाई हुई थी उन्होंने भाई, कि आज जो है वो इंडिया को हमने आउट कर दिया, अब आएंगे 46 रन की लीड है, हम 300-350 और बनाएंगे और जो है वो पौने 400 रन की इंडिया को लीड देंगे एक दिन के अंदर, और इंडिया बना नहीं सकेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल हो नहीं पाया, और आर अश्विन और कुलदीप यादव नाम की आंधी आई हुई थी ऐसा लगता है, और इंग्लैंड का सब कुछ बहा के लेगी। बैस बॉल को तो छोड़ो, बैस बॉल खेलना तो बहुत मुश्किल काम है इंडिया में, इंडिया के बॉलर्स के सामने, सिर्फ खेलना जिसको बोलते हैं ना वो भी सही तरीके से इंग्लैंड नहीं कर सका है। आप देखें कि जैक कुराली एक इनिंग्स आई है उसकी अच्छी, कि जो उसने 91 बॉलों में 60 रन, बाकी कोई भी बल्लेबाज जो है वो दो बल्लेबाज डबल फिगर्स में दाखिल हुए, बाकी कोई नहीं दाखिल हो सका। जैक कराली पहले जो खेल रहे थे, लेकिन कुलदीप यादव ने आगे जो है खड़क करके जो उसको बोल्ड किया, बॉल थोड़ा अंदर की जनब आया, डकित को पहले ही जो अश्विन ने आउट कर दिया था, डकित के साथ साथ जो है वो डकित के ओली पॉप को भी जो है वो अश्विन ने जो है वो LBW आउट कर दिया, यानी कि दो विकेटें दो बॉलों पे आर अश्विन ने ले ली थी, वहां पर जो इंग्लैंड की टीम प्रेशर में आ गई थी। उसके बाद जॉय रूट की बात करें, 34 बॉलें 11 रन, बड़ा कंट्रोवर्शियल आउट बना हुआ है, पता नहीं क्या क्या जो है वो इंग्लैंड का मीडिया और उनके सभी खिलाड़ी निकाल के लाए भाई, कि जो बॉल बाहर जा रहा था पहले तो बाद में ये कैसे हो गया। तो भाई ऐसे ही रॉबिन्सन का भी जो है वो हुआ था, जो कि अंपायर ने जो है वो नहीं दिया था, तो आपके सामने है वहां पर, लेकिन आपको वो चीज नजर नहीं आती है। लेकिन जब कोई कर दे आपके हक में ना जाए कोई फैसला, तो आपको जो है वो अंपायर पे एतराज नजर आते हैं। वैसे अंपायरिंग तो थर्ड क्लास किस्म की अंपायर हुई है, ठक्कर के क्या है यार, ये जो अंपायर है इसका हर एक फैसला इंडिया के अगेंस्ट जा रहा था। जब इंडिया का कोई खिलाड़ी आउट हो रहा था तो ये जो है फौरन से फिंगर खड़ी कर देता है, जरा भी नहीं सोचता है, और बाद में अंपायर कॉल के चलते जो है इंडिया के खिलाड़ी आउट हो जाते, और जब इंग्लैंड का कोई आउट होता है तो ये फिंगर खड़ी नहीं।